हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हम लोगों ने क्या स्टडी की थी स्टूडेंट, की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमने रैशनल नंबर पर और इरैशनल नंबर पर कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, अगर वो रैशनल है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो वहां पे भी हमने टू केसेस डिस्कस किए थे कि अगर आपका रिमाइंडर जो है वो जीरो हो जाता है तो वो क्या हो जाता था कि स्टूडेंट वो टर्मिनेटिंग हो जाता था, और अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता था तो हमारे पास क्या रहता था स्टूडेंट, वो नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास क्या है, रिपीटिंग हो जाता था। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर आपके पास इरेशनल आता था तो हम वहां पे क्या कहते थे कि उसको जो हम डेसिमल एक्सपेंशन से सोल्व करते थे तो हम कहते थे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में भी यही चेक करेंगे कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, पहले हम वो चेक करेंगे फिर उसके बाद हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या कहा है स्टूडेंट, इसने कहा है कि राइट द फॉलोविंग इन डेसिमल फॉर्म, कि जो आपको ये जो नंबर्स दिए हैं पहले आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिख के दिखाना है। फिर उसके बाद उसने कहा एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और जो आप लोगों ने डेसिमल निकाला है वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग आया है नॉन टर्मिनेटिंग आया है, वो आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये रैशनल है या इरैशनल है, तो हम पहले वो चेक करते हैं। देखो पार्ट नंबर वन में हमारे पास क्या है, 36 बाय आपके पास 100 है, तो आप ये चेक करेंगे पहले तो ये पी बाय क्यू की फॉर्म में है। ठीक है ना, और जहां पे पी और क्यू जो है वो इंटीजर है और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम ऐसे आपके पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पे पी और जो क्यू है वो इंटीजर में से आ रहे हैं एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी है, मतलब ये दोनों हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। आप यहाँ पे थर्ड वन आएगी, आप थर्ड पे चेक करेंगे क्या होगा हमारे पास, ये देखो स्टूडेंट ये आपके मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे इस मिक्स फ्रैक्शन को चेक करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम ये बताएंगे कि क्या ये रैशनल फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का क्या वे होता है स्टूडेंट, आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर न्यूमिनेटर से क्या कर देते हैं, एड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है 1, इससे हम क्या कर देंगे एड कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में 8 ही रहेगा, 8 4 से क्या होता है स्टूडेंट 32 होता है, प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 33/8। तो आप ये चेक कर सकते हैं ये p बाय q की फॉर्म में है। ठीक है, जहां पे p और q जो है वो आपका इंटीजर में से आ रहा है और जो q है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपने हमने चेक क्या किया अभी तक, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट अभी तक हमें ये रैशनल नंबर ही मिल गए हैं। अब सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा स्टूडेंट, हमें अपने डिवीजन मेथड अप्लाई करना है और ये बताना है कि ये डेसिमल फॉर्म में किस तरह की डेसिमल फॉर्म आई है और इसके एक्सपेंशन का नाम क्या है। ठीक है, अब आप ही चेक कीजिए हमारे पास 36 बाय 100 है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पता हो कि अगर आपके पास न्यूमिनेटर में कोई भी डिजिट हो लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास क्या है नंबर होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट में लिख लेते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा 0.36। ठीक है ना, पता है ना सभी को ये टू जो जीरो थी उसके वजह से 36 आ गया, और वन के स्पेस पे हम पॉइंट लगाते हैं और उससे पहले क्या आ जाती है आपकी जीरो आ जाती है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल मेथड, लेकिन हम यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ नहीं आया तो हम बाय लॉन्ग डिवीजन करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मेथड से मैं आपको करके दिखा देती हूँ कैसे करते हैं स्टूडेंट। देखो ये जो आपका डिनोमिनेटर में है इसको हम क्या मान लेते हैं, डिवाइजर मान लेते हैं, और ये जो न्यूमिनेटर है इसको हम डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है, अब आप ये चेक कीजिए 100 के टेबल में क्या 36 आता है, नहीं आता ना, तो हम क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं और जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, अब आप चेक कीजिए 100 के टेबल में 360 आता है, नहीं आता, इससे थोड़ा कम आता है, वो क्या आता है 3 पे आता है, तो कितना आता है 300 हो गया। ठीक है, माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा, अब देखो 60 नहीं आता है तो क्या आता है 660, मतलब नहीं आता तो जीरो कैरी करेंगे तो 100 के टेबल में 6 पे क्या आता है 600 आता है। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए आपका जो डेसिमल जो फॉर्म है वो आपके पास कितनी आई 0.36। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कीजिए ये आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, तो इट मीन हमारे पास ये क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, तो हेयर
आप यहाँ पे क्या कहेंगे, हेयर आपके पास 0.36 आया है कॉमा विच इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, विच इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो चुका है, टर्मिनेटिंग हो चुका है। आगे इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। वन अपॉन आपके पास क्या है, 11 है, मैंने आपको वही बताया कि हम किससे यूज करेंगे, बाय लॉन्ग आपका है डिवीजन अप्लाई करोगे और यहां से आप चेक करोगे कि ये आपके पास कैसी डेसिमल फॉर्म बन के आती है, ठीक है। तो आपने 11 है, इसको हम बाहर रखेंगे, 1 को रखेंगे, ठीक है। अब आप ये चेक कीजिए क्या 11 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। अब आप चेक कीजिए 11 के टेबल में क्या आपके पास 10 आता है, नहीं आता ना, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक और 0 लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। अब 11 के टेबल पे 100 तो नहीं आता, लेकिन इसे छोटा आता होगा, वो क्या आता है, 99 आता है, ठीक है। माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा, तो हम 0 तो आपका इस पॉइंट की वजह से आता ही आता है, लेकिन आप ये चेक कीजिए क्या 11 के टेबल में 10 से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे एक और 0 लगेगी और फिर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 11 के टेबल में सेम वही आपके पास क्या है, 100 तो नहीं आता, लेकिन 9 पे क्या आता है, 99 आता है, माइनस करोगे अगेन आपके पास 1 मिलेगा, इस पॉइंट की वजह से आपका 0 आता है, लेकिन अब आप चेक कीजिए 11 के टेबल पर आपका जो 10 है वो नहीं आता, तो आप यहाँ पे 0 लोगे, फिर आपका 100 हो जाएगा, 11 के टेबल में 9 पे आएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, फिर ये आपका 1 आएगा, मतलब इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका जो रिमाइंडर है वो 1111111 आता जाएगा, और सेम आपके पास क्या है, जो आपका क्वेश्चन है वो आप लोगों का ऐसे ही क्या चलता ही रहेगा, मतलब 09090 ऐसे आता रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, हेयर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका डेसिमल जो आपकी एक्सपेंशन है, देखो यहाँ पे जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है ना, वो कुछ इस तरह से आ रही है 0.090909, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो आपके पास डेसिमल के बाद अगर वो सेम रिपीट हो रही है, पहले आप 0.09 देखो, यहाँ पे भी 09 है, यहाँ पे भी 09 है, यहाँ पे भी 09 है, आगे अगर आप करते रहोगे तो आगे भी आपको 09090 इस तरह से मिलती रहेंगी, ठीक है। तो हम इसको बार बार 09090 ना लिख के हम इसके ऊपर सिंपल क्या अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, बार, ये जो मैंने 09 के ऊपर अप्लाई किया है इसे हम बार बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपकी डेसिमल फॉर्म है तो वो आपकी कैसे आ चुकी है, 0.09 का बार आ चुकी है, और हम यहाँ पे क्या बताएंगे, अब देखो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या होती है, टर्मिनेट, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये हमारे पास कैसे हो गया स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है ना, रिपीटिंग भी तो है ना, देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो इसलिए क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रही है, रिपीटिंग किस लिए, क्योंकि 09090909 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस पे वर्क करते हैं स्टूडेंट, आपका जो 33/100 आया था तो मैं इसको यहां सोल्व कर रही हूं बाय लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन क्या हो जाएगा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 जो है वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा, 33 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। 8 के टेबल में 33 आता है, नहीं आता, लेकिन इससे थोड़ा कम आता है, तो क्या आता है, 8 4 32, ठीक है, माइनस करोगे तो 3 में से 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 के टेबल में क्या 1 आता है, नहीं आता ना, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, तो 8 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 के टेबल में 10 से थोड़ा छोटा आपके पास क्या है, 8 ही आएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे 8 के टेबल में 20 आता है, इससे थोड़ा कम आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 16, यहाँ पे 1 कैरी करोगे तो 10 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, तो 8 5 से क्या होता है, 40 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, इसका जो रिमाइंडर है स्टूडेंट वो आप लोगों का 0 हो चुका है, और जो आपके जो हमारी डेसिमल फॉर्म है वो क्या है, 4.124, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हेयर 4.124
1, 2, 5 में जो डेसिमल फॉर्म आई है वो तो ये आई है, और इसको एक्सपेंड करने के बाद हमें जो मिला है वो क्या मिला है स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग. क्या मिला है? टर्मिनेटिंग. उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो डेसिमल है, क्योंकि ये हमारा रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर का अगर आपके पास रिमाइंडर जीरो आता है तो दो ही केस, रिमाइंडर जीरो आता है तो एक ही केस रह जाता है, वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके पार्ट हो चुके हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इसका पार्ट करते हैं. अभी आप लोगों का पार्ट नंबर 4, 5 और आपके पास क्या है? 6 है. सबसे पहले हम वही पहले इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं. तो आप ये चेक कीजिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. सेम हेयर, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. पी बाई क्यू के फॉर्म में और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो फर्स्ट टू सिक्स जितने भी पार्ट हैं आपके सारे के सारे रैशनल नंबर हैं. ठीक है, तो इस पर हम वर्क करें. अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इसको हम किससे सोल्व करेंगे स्टूडेंट? बाय लॉन्ग डिवीजन से. ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको क्या करते हैं? सोल्व करके देख रहे हैं. ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं. जो 13 है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा और जो 3 है वो आपका डिविडेंट हो जाएगा. ठीक है, 13 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, तो हमारे पास क्या हो गया? पॉइंट लगाएंगे और जीरो आ जाएगा. ठीक है, 13 के टेबल में 13 से छोटा क्या होता है? 26 होता है. ठीक है, वो आ गया. माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, जीरो आ जाएगी. 13 के टेबल में 40 से कम क्या होता है स्टूडेंट? 3 होता है ना, 3 पे जाएगा तो 39 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 में से 39 गया तो 1 आ जाएगा. ठीक है, 1. अब आप चेक कीजिए, ये पॉइंट की वजह से 10 आ गया. अब आप ये चेक कीजिए कि क्या 13 के टेबल पर 10 आता है? नहीं आता ना. तो अब हमारे पास क्या है? इसको और इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे जीरो कैरी करेंगे तो हमारा 100 हो गया. अब देखो 13 के टेबल में हमारे पास क्या है? 100 आता है? नहीं आता. लेकिन 100 से थोड़ा कम आता है तो 13 7 क्या होता है? 91 होता है. अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, 100 में से 91 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट? 9 आएगा. ठीक है, 9 आएगा. 9 आने के बाद हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा. अब 13 के टेबल में चेक कीजिए कि क्या आपके पास 13 के टेबल में 90 से कुछ कम आता है? तो 13 6 क्या होता है? 78 होता है. ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया? 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 2. 8 में से 7 गया तो आपके पास 8 में से 7 गया आपके पास 1 हो जाएगा. पॉइंट की वजह से हम 0 अप्लाई कर लेंगे. फिर उसके बाद ये चीज सोचो, 13 के टेबल में 120 से कुछ लेस आता है तो कब आता है स्टूडेंट? वो हमारे पास आता है 9 पे आता है. ठीक है, 13 9 क्या होता है? 107 होता है. ये आ गया हमारे पास. फिर अब हमने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट? इससे हम 1 कैरी करेंगे. 10 में से अगर आप 10 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा. ठीक है, तो आप एक चेक ये चीज चेक कीजिए स्टूडेंट कि हमने जो स्टार्ट किया था वो 3 से ही स्टार्ट किया था और एट लास्ट हम कहाँ पहुंच चुके हैं? 3 पर ही पहुंच चुके हैं. ठीक है, 3 से स्टार्ट किया और 3 पर ही खत्म हो गए. कैसे? अगर क्योंकि मैं यहाँ पे अब वही पॉइंट की वजह से मैं 0 अप्लाई करूंगी, 13 2 मैं अगेन कहूंगी कि वो हमारे पास क्या होता है? 26 होता है. फिर उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 4 आ जाएगा. मतलब ये जो प्रोसेस है वो हमारा क्या होना शुरू हो जाएगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 3 आ गया ना, यहाँ पे 3 आ गया है, तो मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएगा? रिपीट शुरू हो जाएगा. तो हम यहाँ पे कह देंगे कि हेयर, आप ये कह देंगे कि जो आपका 3 बाय आपका 13 है, लॉन्ग डिवीजन से हमने इसको जो सोल्व किया तो वो हमारे पास 0.23076 9. ठीक है, यहां तक आने के बाद ये दोबारा से क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. अब आप इसको यहाँ पे चेक करोगे ना, ये आप इसको यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया, इसको दोबारा से लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे ना तो आपको दोबारा से क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे यही रिपीट मिलेगा. ठीक है, फिर जब ये 9 खत्म यहाँ पे हो जाएगा ना, 9 के बाद ये दोबारा से आपको 3 मिलेगा रिमाइंडर. तो मतलब आपके पास क्या है? ये बार बार रिपीट 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 होता जाएगा. तो हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि आपके पास एक तो देखो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है. रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? ये नॉन आपके पास क्या होगा? टर्मिनेटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग. और आपके पास क्या रहेगा स्टूडेंट? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और आपके पास क्या होगा? रिपीटिंग एंड रिपीटिंग. ठीक है,
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये होगा आपके पास, ठीक। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब इसको हम सोल्व करते हैं। आपके पास जो ये पार्ट नंबर, ये जो इसका फिफ्थ है ना, यहाँ सोल्व कर रहे हो। देखो हमने कहा कि 11 से आपको क्या करना है, 2 को डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है। तो अब 11 के टेबल में 2 तो नहीं आता, वही 0.0। तो 11 के टेबल में हमारे पास क्या है, 20 से कुछ कम आता है, क्या आता है, 11 ही आता है। तो हम यहाँ पे इसको 1 कैरी करेंगे तो 10 में से हम 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब ये क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा, ठीक है, 8 पे 88 हो जाता है ना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर ये हमारे पास क्या जगह 1 होगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, अगेन हमारे पास 8 आएगा, 10 में से 9 आएगा हमारे पास, 9 आएगा, फिर हमारे पास 0 होगा, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 पे आएगा, ये 88 हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे इसको कैरी करेंगे, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर ये 8 आएगा, फिर ये हमारा 88 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस टाइप से आप लोगों का जो रिमाइंडर है वो 2 2 2, मतलब बार बार रिमाइंडर 2 आ रहा है, और जो आपका क्वेश्चन है वो 0.18 18 18 18, मतलब ये इस तरह से आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये क्या कह सकते हो कि हेयर, ठीक है, हेयर आपके पास क्या हो जाएगा, 2/11 विच इज इक्वल टू 0.18 18 18, ठीक है। तो इसका मतलब कि 0.18 का बार ये हो जाएगा, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका जो पार्ट नंबर 6 था वो हम देख लेते हैं कि पार्ट नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 में यहां लिख रही हूँ, पार्ट नंबर 6 जो है वो आप लोगों को ये गिवन है, 329 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। तो बाय हमारे पास क्या, वही लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन हम इसको सोल्व करते हैं। 400 आपका डिवाइजर रहेगा, 329 आपका डिविडेंड रहेगा। आप इसको चेक कीजिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करना है तो आप ये चेक कीजिए, 400 है यहाँ पे आपका क्या है, 329 है, तो पहले 0 आएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 0। अब ये किस पे जाएगा, चेक कीजिए आपका 8 पे जा सकता है, क्योंकि 4 8 32 होता है ना, तो ये आ जाएगा 0 0, ठीक है। माइनस करोगे 90 आ जाएगा, फिर पॉइंट की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब वो चेक कीजिए हमारे पास 400 के 4 पे 2 पे कितना आएगा, 800 आएगा, ठीक है, 1 0 0, और एक पॉइंट की वजह से क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक। 400 के टेबल पे जो है वो 1000 से कम क्या हो सकता है, 3 पे करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन हम 2 पे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 800 आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या जाएगा, 0 0, आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, और पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा। फिर 400 के टेबल पे आपका 2000 मिल सकता है, 4 5 का क्या हो जाएगा, 20, हाँ, तो 5 पे आ सकता है आपका ये, तो 20 मतलब 2000 आ जाएगा ना, 4 5 या 20 का मतलब ये था स्टूडेंट, 4 को अगर आप 5 से करोगे तो 20 आएगा, और इसकी जो रिमेनिंग जीरोज हैं वो आपके 2 यहाँ आ जाएंगे, इसलिए आपके पास ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हेयर आपके पास क्या है, 329/100 विच इज इक्वल टू 0.8225, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये तो आपके डेसिमल एक्सपेंशन आ गई है, विच इज आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिमाइंडर क्या हो रहा था इसका, 0 हो गया ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, टर्मिनेटिंग आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों ने आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th पार्ट किए हैं, और हमने ये स्टडी किया है कि अगर रिमाइंडर आपका पास क्या आता है, 0 आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 0 नहीं आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा।